कमाल करती हो, खुद ही कह रही हो कि मैंने कुछ सुना कुछ नहीं सुना, ऐसी बेटी को कंफ्यूज कर रही हो। मैं इस बच्ची को कंफ्यूज नहीं, क्लैरिटी दे रही हूँ कि अभी भी वक्त है, हटा जा सकता है इस रिश्ते से। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने बाप से नफरत करे। मैं तो जो सह रही हूँ वो सहती रहूंगी, लेकिन मैं किसी भी सूरत अपना बच्चा जाया नहीं करूंगी। अभी किसी की मजाल नहीं है कि कोई जबरदस्ती तुमसे ऐसा करवाए। यार अजरा ने मुतालबा किया है कि उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लो। बहन, तुम तो बड़ी घुन्नी निकली हैं। ये क्या चक्कर चल रहा है क्लिनिक का, मुझे भी तो बताओ। आपको तो वैसे ही सब कुछ मालूम है, तो मुझसे क्यों पूछ रही? तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही हूँ, बताओ मुझे। भाभी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही। हाँ भाई, मुझे क्यों बताओगी तुम, लेकिन सास ने तो सब कुछ उगलवा लिया होगा। देखा था तुमने कैसे सब मेरे पीछे पड़ गए थे, और हमारे ससुर वो तो इतना चीख रहे थे, लग रहा था कि अभी फेफड़े बाहर आ जाएंगे उनके। अच्छा भाभी, आपको भी तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए था ना, मेहमान बैठे हुए थे वहां पर। ठीक है भाई, ठीक है, एक तुम ही रह गई थी, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, कह सुन लो, कलेजे को ठंडक पहुंचा दो अपने, होश के नाखून मत लेना तुम। अरे अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही सोच लो। तुम नहीं मिली उस लड़की से, लेकिन मैं मिली हूँ। देखने में बड़ी सीधी सादी शरीफ है, लेकिन एक नंबर की तेज और तर्रार लड़की है वो। लच्छे वाली जलेबी है, लच्छे वाली, सच बता रही हूँ। देखो उसके आने से पहले ही ना, आसिफ की शादी से पहले ही अपना हिस्सा ले लो। अरे कुछ तो हाथ आएगा, लेकिन अगर वो लड़की आ गई ना, कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ उसी के हिस्से में जाएगा। फिर बैठ के रोना कि हाँ भाभी, आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज सच साबित हुआ। चलो ज्यादा ना सोचो, तुम्हारी समझ में आने वाली बात नहीं है। हाँ, हम उसी फूड कोर्ट में मिल रहे हैं जहाँ हम अक्सर मिलते हैं, तुम आ जाओ। अच्छा आ जाता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा वाइवा है, मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई जरूरी बात करनी है तो मुझे बता दो, कॉल पे बात कर लेते हैं। मैं तुमसे बात मिलकर ही करूंगी, आ जाऊंगी, मुझे बता देना। अच्छा जैसे ही वाइवा खत्म होगा तुम्हें कॉल कर लूंगा मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। यही कहा था ना तूने मुझे, जब से मैं जमाल भाई मोहब्बत मिले तुम्हें कहूँ। जमाल भाई जी, फोन मंगवाए थे आपने? हाँ, ये वही है ना जो वलीद ने लिख के दिए थे मॉडल। जी जी, चेक कर लें आप। मैं क्या चेक करूंगा, ये तो वलीद ही करेगा। अगर उसकी समझ में आ गया तो रख लेगा, नहीं आएगा तो वापस कर देगा। ये वलीद के लिए लाया? जी अब कितने के? 60,000 रुपए का। 60,000?
अबे मोबाइल खरीदा है या जहाज खरीदा है? अब वो स्मार्टफोन इतने तक का ही होता है, ये तो फिर भी सस्ता है, वरना लाख से ऊपर तक का भी होता है। अरे कोई सस्ता था मोबाइल खरीद के दे देते उसे। और ये दूसरा किसका है? वो अजरक है अब, वो उसका भी मोबाइल टूट गया ना, स्क्रीन टूट गई। ये भी 60,000 का लाया होगा? जी जी दोनों ही एक ही है। मतलब लाख रुपए से ऊपर का खर्चा हो गया, वो हिसाब है कि आमदनी चवन्नी खर्चा रुपए का। अच्छा ठीक है, नसीर के साथ जाओ कारखाने, जाके देखो लाहौर जाने वाला माल तैयार हो गया कि नहीं हो गया, और फोन करके मुझे बताओ। अब उसमें तो 2-3 दिन लगेंगे, मेरी आज सुबह ही कारखाने में बात हुई है। अरे रात को माल भिजवाना यार, तो बिजली कहाँ होती है? 2 घंटे के लिए आती है तो 4 घंटे के लिए चली जाती है, कारखाना चलेगा तो माल बनेगा ना। अच्छा ठीक है जाओ कारखाने, जाके ना कारीगरों के सर पे खड़े होके अपने सामने काम करवाओ, और मैं बात करता हूँ अपना लाहौर जाओ। जमाल बेटा अपनी बीवी को समझाओ यार, कुछ थोड़ा सा वो अकल से काम ले। देखो ना तुम्हारी माँ मुस्तकिल ये कोशिश कर रही है कि सब आपस में मिलजुल के रहें, मगर वो तैयार ही नहीं होती इस काम पे। तो ठीक है अगर वो नहीं रहना चाहते साथ तो उसे लेके अलग हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझा लूंगा। माँ मैंने उसे बहुत डांटा है, बहुत समझाया है, अब आइंदा नहीं करेगी ना ऐसा। शर्म से पानी पानी हो गया यार मैं, वासिफ उसके सास और फूफर के सामने। अम्मी तो कह रही थी हमें इस रिश्ते के बारे में दोबारा से सोच लेना चाहिए। चुप क्यों हो, कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं मानता हूं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी अम्मी के गुस्से का अंदाजा कल ही हो गया था, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं क्या मतलब है? तुम्हारे घर में से अजरा भाभी को किसी ने कुछ कहा नहीं? मेरे अम्मी अब्बू तो अच्छे ही फ्रूट्स लेकर गए थे। सबने बहुत गुस्सा किया उन पर। पहले तो अम्मी भी मुझे समझाती थी कि जॉइंट फैमिली में मिलजुल कर रहना है, लेकिन कल के बाद तो वो बिल्कुल ऑफ हो गई। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, अजरा भाभी गुस्से की तेज हैं, मगर बाद में रिग्रेट करती हैं अपनी बात पर। एक ही छत के नीचे रहते हैं तो ऊंच नीच हो जाती है। खैर अब्बू ने क्या कहा? उन्होंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। वो तो कह रहे थे कि अजरा भाभी जैसी खातून हर लड़की के ससुराल में जरूर होती हैं। देखा मैं कह रहा हूँ ना, ये मामूली सी बात है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी अम्मी ओवर रिएक्ट कर रही हैं? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी अम्मी का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारे घर से किसी को कॉल करके अपोलोजाइज तो करना चाहिए। देखो माना कि हमारी शादी अरेंज हो रही है, लेकिन हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी तो है। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता खत्म हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी एफर्ट करनी पड़ेगी। खैर मैं खाने का देख के आता हूं, तुम्हें भूख लग रही होगी। बंदा तारीफ ही कर देता है, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। तुमने खुद बनाया? नहीं, मेरी नानी आई थी ना, उन्होंने बनाया। उनका तो लास्ट डे इंतकाल नहीं हो गया था? अब वो आई होंगी, उन्होंने बनाया होगा, वापसी में तुम्हें भी ले जाती फिर। अस्मा भाभी ये देखिए कैसी बातें कर रहा है मुझसे, मुझे थैंक यू कहने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो भाई नानी वाला मजाक मैंने थोड़ी शुरू की है, तुमने खुद ही किया है। बस वापस दे। अस्मा भाभी
आप खाए ना। अरे तुम तो सीरियस ही हो गई। मैं तुम्हें आज इनाम भी दूंगा। अच्छा क्या इनाम दोगे? भाई इसको शिकायत रहती है ना कि मैं इसकी पिक्चर्स लाइक नहीं करता। आज मैं तुम्हारी सारी पिक्चर्स लाइक करूंगा। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। हाँ कोई बात नहीं। वैसे भाभी आपने इसकी प्रोफाइल देखी है? इतनी पिक्चर्स अपलोड करती है और ऐसे अजीब अजीब से फिल्टर लगा के। वैसे बहुत वाहियात पिक्चर आती है तुम्हारी, सच बता रहा हूँ। कोई नहीं, इतनी प्यारी है हमारी समझ। कोई बात नहीं भाभी, इसके सर में चोट लगी है ना, इसलिए ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता, उनके लिए दुआ मांगी जाती है। वाकई जी? और ये लो हमारे 250 रुपए। 250 रुपए का चक्कर अभी तक खत्म नहीं हुआ। भाई मैंने तो अपना सबका समझ के उसको दे दिया था, अभी खुद ही वापस करिए तो ठीक है। थैंक यू। अस्मा सालन तैयार है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। जी सालन तो बन गया, आप रोटी डालना। ये भी बनाया तुमने? नहीं नहीं, ये तो समन लेकर आई है। अच्छा दिखाना जरा। जरा भी नमक मिर्च नहीं है। भाई तुम्हारी माँ ना मसालों में कंजूसी करके सारे खाने का मजा ही खराब कर देती है। अच्छा काम करो ना, एक प्याला और ले आओ। मेरे उमर को बहुत पसंद है। भाभी मैं खा चुका हूँ, आप ये उमर को ही दे दें। अच्छा जी ठीक है। बात सुनो भाई, तुम लोग जो है ना कोई भी चीज लेके आते हो इतने से प्याले में लेके आते हो, और हमारे यहाँ से कड़ी की देगे जाती है तुम्हारे घर। भाई इतने बड़े घर के लिए इतना सा खाना, अब अगली दफा आओगी ना ज्यादा लेकर आना, समझी? चलो मैं उमर के लिए रख देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी। नहीं नहीं ये बना के लाएगी, जाओ मेरे लिए बना के लाओ। अच्छा अभी बना के लेकर आती हूँ। बखर थैंक यू, फौरन जाओ। सलाम अलैकुम अम्मी। हाँ वालेकुम सलाम। अबू नहीं आया क्या तुम्हारे? अबू नसीर दुकान पे रुक गए, वो कारीगरों की शिफ्ट बढ़ाई थी ना, सुबह लाहौर माल भेजना बहुत जरूरी है अम्मी। मैंने अबू कहा भी था कि मैं रुक जाता हूँ, मगर कहाँ सुनते हूँ किसी की। वलीद कहाँ है? ये तेरी है वलीद? ये क्या? ये वलीद के लिए मोबाइल लाया, दूसरा वाला वो अजरे की फोन की स्क्रीन टूट गई थी ना। ना 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 वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी है उसका हक है, तुम उसके लिए दो मोबाइल लाओ या तीन मोबाइल लाओ, मगर मैं बस एक बात कहूंगी जमाल, उसको ये आदत मत डालो कि घर में कोई भी अगर कोई फरमाइश कर दे तो वो चीज उसने भी जरूर लेनी है। ठीक कह रही है, मैं अब आइंदा कोशिश करूंगा। वलीद आए? अरे इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, किधर हो? तुम्हारा मोबाइल आ गया। ये तो वही मोबाइल है, देख लो अच्छी तरह, जो मैसेज किया था वही है ना? जी जी वही है वही है। शुक्रिया नहीं अदा करोगे भाई का? थैंक यू भाई। अरे अम्मी शुक्रिया की क्या जरूरत है, इसको जो काम भी कहो ना भाग दौड़ के फौरन करता है। कल वासिफ साहब टैंक भरने के लिए बेजार बैठे हुए थे, आपने कहा ना, इसने झटपट करके सारा काम कर लिया। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ताबेदार। भाई वासिफ भाई को दिखा के लाता हूँ। जाओ। थैंक यू भाई। कोई बात। जमाल मैं तो ये सोच रही थी कि शहनाज से कहूँ कि मुझे मेरी कमेटी जरा जल्दी दे, इसके लिए बाइक ही ले लूँ। हमें कमेटी निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है, बाइक मैं दिलवा दूंगा इसको, आप परेशान ना वो करें। ना 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 तुम मत लेना, तुमने अगर ली तो शायद दो लेनी पड़ जाए अगर अजरा ने फरमाइश कर दी तो। अरे नहीं अम्मी ऐसी भी नहीं है वो। अच्छा सुनो, मैंने ना तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। खैरियत तो है ना अम्मी? सब तो अच्छा ही है कि तुम्हारी फरहत से मुलाकात हो गई, बात हो गई। ना ज्यादा देर तक अगर बात ना हो ना तो गलतफहमी पुख्ता हो जाती है। भाभी गलत फहमी तो नहीं थी, वो जो कह रही है ठीक कह रही है, उसकी अम्मी का गुस्सा भी तो जायज है। अम्मी को चाहिए कि उनकी अम्मी को फोन करके माफी मांग ले। अम्मी को एहसास है इस बात का,
और अब्बू का गुस्सा भी उस दिन तुम्हारे सामने ही था। मैं तो समझता था कि शादी के बाद ये सब मसले होंगे, मगर यहाँ तो अभी से शुरू हो गए। फरज चाहती है कि उसकी अम्मी से माफी मांगी जाए और यहाँ अजरा भाभी चाहती है कि उनसे माफी मांगी जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ अजरा भाभी ने जानबूझ के किया है। अच्छा बस अब ज्यादा मत सोचो इस बात के बारे में। आपको पता है ना, मैं उस दिन फरज की हाँ में हाँ मिला पा रहा था, ना मैं उसे रोक सकता था, क्योंकि अम्मी ने कहा है कि अजरा भाभी इस घर की बड़ी बहू है, उनके सामने कुछ ना बोलना। वासु, तुम जितना सोचोगे ना इस बात के बारे में उतना ही खुद को हलकान करोगे। वासु भाई। हाँ वलीद, आ रहा हूँ। तस्वीर का दिमाग खराब हो गया क्या? हजार दफा मैं समझा चुकी हूँ उसे, मैं तो थक गई हूँ। उसे कैसे समझ में आएगा कि औलाद तो खुदा की नेमत होती है, धोखे से उसे ले गया क्लिनिक। अब मैं अगर कोई बात करूंगी तो वो तो यही समझेगा ना कि आसमान ने बताया है मुझे। मम्मी, अगर मैं भी बात करूंगी ना उससे, वो यही समझेगा कि आसमान ने शिकायत लगाई है और बेचारी की शामत आ जाएगी। यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग फट रहा है, मगर उससे बात करना भी तो जरूरी है ना। जमाल ऐसा कर कि दो तीन दिन में तुम अपने तरीके से उससे बात करके देखो, अगर वो फिर भी ना समझा तो मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। नहीं नहीं अम्मी, अब्बू से बिल्कुल मत कहिएगा, वो लिहाज भी नहीं करेंगे इसका, पिटाई लगाएंगे इसकी। हाँ यही सोचकर मैंने अभी तक बताया नहीं तुम्हारे अब्बू को। मैं अजरा से मिल गया। हाँ सुनो, अब अजरा से ये बात हरगिज ना करना, वरना कल की कयामत आती आती आज ही आ जाएगी। ठीक है। भरत, मतलब वो तुम्हारी बात सुनता रहा और उसने आके से कोई जवाब नहीं दिया? अम्मी मैं दो मर्तबा आपको तफसील से पूरी बात बता चुकी हूँ, अब आप मुझे बता दें आप क्या सुनना चाहती हैं, मैं अब वही बोल देती हूँ। बेटा मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि मिसेस खान ने जो अमेरिका वाला रिश्ता बताया मुझे कंसिडर करें। लड़का बीवी को लेकर अमेरिका जाएगा, सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी का कोई चक्कर नहीं है। अम्मी वासिफ अच्छा लड़का है। फरहत, वासिफ से मिलने से पहले तुम्हें मालूम था कि वो अच्छा लड़का है? इस लड़के से भी मिल लो बेटा, शायद वासिफ से भी अच्छा हो। और मैं मिसेस खान को बता चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं। वो कह रही है कि लड़के वालों को आपकी बेटी पसंद है, एक दफा मिल ले बस, इतनी सी बात है। यार ये कितना जबरदस्त फोन है, समी के पास भी यही है, गेमिंग के लिए तो बेस्ट है। कैमरा देखते हैं इसका। ओए होए, रिजल्ट भी कितना शानदार है। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो तो सही। यार वलीद अभी रहने दो यार। अरे यार पिक्चर पोस्ट करनी है ना मुझे विद माय बेस्ट प्रो, आ जाओ। अच्छी है ये ना, ये देखो कितना महंगा फोन है, पिक्चर तो अच्छी आएगी ना। तुम्हें जेलेसी हो रही है ना मेरे नए फोन से? अच्छा एक काम करो, ये तुम रख लो, मुझे अपना दे दो। पागल हो गया क्या यार, मैं किसी और बात पे परेशान हूँ। यार मैं पहले पोस्ट करूँ पिक्चर, उसके बाद तुम्हारी परेशानी सुनूंगा, एक मिनट रुको बस। हाँ पट्टी लगा के पोस्ट करो, ताकि तुम्हारी सारी दोस्तें पूछें कि डियर वलीद क्या हुआ तुम्हें। एक्टिंग अच्छी कर रहे हो वैसे। मैं पोस्ट करूँ फिर सुनता हूँ, रुको एक मिनट। और ये हो गई पोस्ट। अब बताओ क्या मसला है? या तुम जानते तो मेरा फर्ज के बारे में, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं तो कोई बात हुई थी तुम लोग के दरमियान?
या कभी अम्मी नाराज हो जाती है, कभी फरत नाराज हो जाती है, और कभी अजरा भाभी, या मैं तो बीच में पिसके रह गई। ये लो तुम्हारा मोबाइल। है मेरा मोबाइल? अरे वाह, सूरज कहाँ से निकला है भाई? मोबाइल आया मेरे लिए, वही वाला मोबाइल है ना जो वलीद को लाके दिया था। वलीद से तुम्हारा क्या मुकाबला? ये अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं घर में कोई भी चीज लाऊंगा तो मुकाबले में तुम भी वही मंगाओगी। साफ नजर आ रहा है कि अम्मा के पास बैठ कर आये हो। बड़ी भी ने कान भर के भेजा है, उनसे जरा से खुशी बर्दाश्त नहीं हुई मेरी है, फौरन से चढ़ा के भेज दिया। वरना जब किसी के लिए तोहफा लेके आते हैं तो तोहफा देने वाला और तोहफा लेने वाला दोनों ही खुश होते हैं, लेकिन तुम तो आग बगुला होकर आए हो भाई। हैं, खुश हो गई होगी बड़ी नहीं अब। अजरा, मेरे माँ बाप का नाम तमीज से लिया करो, कल बच्चे देखेंगे ना तो हमें भी बड़े मियाँ बड़ी बी कह के बुलाएंगे। अच्छा, तो बड़े मियाँ और बड़ी बी क्या कोई गाली है? इज्जत ही दे रही हूँ, बड़े मियाँ और बड़ी बी बोल रही हूँ, इसमें क्या हो गया? और ये अपना लेक्चर जो है ना अभी संभाल के रखो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ड्रामा देखना है मुझे। कहाँ है रिमोट? तुम अपने ड्रामों में घुसी रहती हो। तुम्हें इतना एहसास नहीं कि तुम्हारा मियाँ थक हार के आया है, उसे चाय पानी कुछ पूछ लो, सर दबा दो, कुछ तो ख्याल करो मेरा। मुझसे नहीं होते अब ये चोंचले, सर दबा दो, मियाँ से पूछ लो। वाह भाई वाह, जब दिल में खुशी ही ना हो तो फिर प्यार क्यों जताए इंसान है? और सच बात तो ये है कि जब तुम बड़ी बी के पास जाकर बैठते हो ना तो उन्हीं से कह दिया करो कि तुम्हारी दिलजोई कर दिया करें। नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से जाके सबसे पहले अपनी अम्मा के पास बैठते उसके बाद बीवी को आके बातें सुनाते हैं, और बीवी को ना तो इज्जत देते और ना घर में किसी से इज्जत करवाते हैं। अरे कुछ अपने भाई से ही सीख लो, देख लो वासिफ को, बीवी के चक्कर में कैसा मुंह भर भर के बातें सुना रहा था मुझे। वो किस्सा खत्म हो गया भाई, क्यों उसको बार बार छेड़ती हो? कोई बात खत्म नहीं हुई, अगर बात मुझसे शुरू होती है तो मेरे माफी मांगने के बाद खत्म होती है, लेकिन जब मेरे साथ जाती होती है तो सब कहते टूड़ो टूड़ो, कोई बात नहीं है, पूछो जरा जाकर अपनी अम्मा से, मेरे लिए तो अदालत लगाई हुई थी है। और जब अस्मा का जिक्र निकला तो कैसे इधर उधर कर दिया बात को, पूछो ना क्यों ये ड्रामेबाजियां हो रही है घर में, क्यों हो रही है साजिश मेरे खिलाफ। अस्मा को क्यों बीच में ला रही हो? उसका ना लेना ना देना, बिना वजह से बैर लगा लिया। आए, बैर तो मुझे अपनी किस्मत से, मेरी किस्मत टूटी थी जब तुम मुझे मिले। यार मिठाई बहुत मजेदार है, इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, और खुशी से बेनिहाल हो जाता है। ये जो मिठाई बनी है ना, जब तेरी औलाद होगी ना, इससे भी जबरदस्त मिठाई बना के बांटूंगा पूरे महल्ले में। हाँ तो चली जाओ ना अपनी अम्मी के घर, किसने तुम्हारे हाथ पैर बांध के यहाँ पे बिठाया भाई तुम्हें? अपनी किस्मत दुरुस्त कर लेना, समझ गई? और अपनी माँ या भाई को भेज देना, फैसला लिख के भेज दूंगा उन्हें। देखा, कर दिया ना बड़ी बी ने अपना काम है। मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो तुम, मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो? अरे सुन लो, इस घर में रहने वालों, जो मेरे लिए फसाद फैला रहे हैं ना, कान खोल के सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली इस घर से। तुम लोगों के सीनों पे बैठ के मूंग रलूंगी मूंग, नहीं जाऊंगी मैं कहीं। और तुम, अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगे? कौन पालेगा तुम्हारे बच्चों को है? बताओ कौन रहेगा जंजाल पूरे में? बताओ मुझे कौन भुगतेगा तुम्हें, तुम्हारी माँ को? और एक बात और बता दूं, मेरे लिए बस तुम ही हो, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी मरते दम तक। तुम जैसी बीवी है ना, शौहरों को वक्त से पहले मार देती हैं। बढ़िया ही, मरते दम तक साथ देने वाली। हालांकि नया फोन लाकर दिया उसने, फिर भी झगड़ा कर, लड़ाई झगड़ा किए बगैर तो लगता है इसका खाना हजम ही नहीं होता। हाँ तुम कुछ कह रही थी, तुम्हारी बात ही रह गई बीच में। वासिफ के ससुराल के बारे में बात कर रही थी, सब कुछ सुनकर गए। आप कहें तो अजरा भाभी की तरफ से फोन करके माफी मांग लो, या फिर आप खुद ही कर लें। थोड़ा रुक जाओ, मैं बात कर लूंगी खुद से,
ऐसे भी हमारे पास कहने को तो है ना कि हमारे बच्चे के साथ हादसा हुआ है, हम अब उसकी देखभाल करें, उसकी परवाह करें कि माफी तलाफी में पड़ जाए। और वैसे भी शादी ब्याह का मामला है, ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना। वो जमाल से मैंने बात, नसीर से वो बात करेगा, समझाएगा उसे। भाई फुरकान भाई की बेटी हुई है, सब दुकानदारों में मिठाई बांटी है उन्होंने। ये आपका हिस्सा दिया। अरे वाह, ये आपका हिस्सा दिया। मुबारक हो भाई। मिठाई तो ताजा बनवाई है फुरकान ने, अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। सर है आलू मस्जिद से आते हुए ले आएंगे। भाई जाके फुरकान को बोल एक डिब्बा जमाल भाई मंगा रहे हैं, खत्म हो जाएगी जब मिठाई। जाओ मिलेगा। यार मिठाई बहुत मजेदार है। इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, और खुशी से बेनिहाल हो जाता है। ये जो मिठाई बनी है ना, जब तेरी औलाद होगी ना, इससे भी जबरदस्त मिठाई बना के बांटूंगा पूरे महल्ले में। समा का ख्याल रखते हो? मुझे पता है तुम उसको नापसंद करते हो, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी है। मगर एक बात है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, ख्याल किया कर उसका यार। कभी उसे घुमाने ले जाया करो, कभी कोई उसकी पसंद की चीज ले आया करो। अरे ले जाया करो घुमाने यार, कभी आइसक्रीम खिलाने ले गए, कभी सी साइड पे ले गए। घर में गाड़ी की चाबी होती है, गाड़ी वहीं पर ही होती है, ले जाया करो गाड़ी पार्क वार्क घुमाने ले जाया करो यार। और ये मैं सब असमा के लिए नहीं कह रहा भाई, तुम्हारे होने वाली औलाद के लिए कह रहा हूँ। माँ सेहतमंद तो बच्चा सेहतमंद। हालात माँ बाप का बहुत बड़ा सहारा होती है। अब्बा को ही देख लो ना, तुम कितना बड़ा सहारा है उनके। 10 काम करवाते हैं तुमसे, नसीर दुकान पे चला जा, नसीर दही लिया, नसीर ये कर ले, नसीर वो कर ले। तुम्हारी औलाद होगी ना, सुकून की जिंदगी गुजारोगे तुम, सब औलाद पे रख दोगे। और वैसे आज के दौर में बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं है। अब अजीज मामू को ही देख लो ना, उनकी बेटी ने पढ़ा, ग्रेजुएशन करके जॉब करी है ऑफिस में। वैसे तुम क्या चाहते हो, बेटा हो या बेटी? बेटा हो या बेटी, जो अल्लाह की मर्जी। ये हुई ना बात, अल्लाह की रजा के आगे झुकोगे ना तो बहुत सुकून मिलेगा। देख भाई तेरे पास बेटा तो है, मैं चाहता हूं कि तेरे बेटी हो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत प्यार करती थी अपने वालिद से। यार मैं तो चाहता हूं कि तेरे भी बेटी हो, बहुत मोहब्बत करेगी तुझसे, यकीन कर। अब तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि मेरी बेटी हो। फातिमा, फातिमा ही नाम रखूंगा मैं उसका। आमीन।
इतने गवट्टों वाले कपड़े हैं, कौन पहनेगा ये? बहुत बुरा रंग है, सॉरी। सारे ब्रांडेड जोड़े हैं ये। मैं तो कह रही हूँ तू सब के सब ले ले, सारे के सारे ले ले। क्या तो ऐसे ही इसे गिफ्ट लेकर आई है तू मेरे लिए? आए तो क्या हो गया, तू इससे बढ़कर है, ले ले तू गिफ्ट में ही ले ले। कितने के वैसे ये सूट? वैसे तो 4,500 का है, लेकिन नहीं नहीं मैं तुझे 4,000 का दे दूंगी, पर मोहल्ले में किसी को ना बताना कि मैंने तुझे 4,000 रुपए का दिया है, ठीक है? अच्छा ये देख। अरे क्या हो गया तुझे, ऐसे बुड्ढों वाले रंग दिखा रही है? इतना गोरा रंग है मेरा, ऐसे रंग नहीं पहनती मैं अपने गोरे रंग पे। पता नहीं क्या हो गया मेरी भी अकल को। अच्छा ये वाला देख, ये वाला रंग तो इतना जचेगा तुझ पे, इतना प्यारा लगेगा, जमाल भाई तो देखते के देखते रह जाएंगे तुझे। उन्हें फुर्सत नहीं है मुझे देखने की, बहुत काम है उनके पास और जिंदगी में, लेकिन ये मैं रख लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। बस तो फिर रख दो, ये तो जोड़ा मैं अलग रख दूंगी बिल्कुल, और ये वाला जोड़ा मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ये तो मेरी अजरा ही पहनेगी। पता है उस दिन क्या हुआ माना, कुरान खानी में जब तू आई थी ना, तो मेरी भावच कह रही थी ये कौन है इतनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी है ये तो, और ना इसके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी दोस्त है जी, पता है प्यारी तो मैं हमेशा से ही थी, कसम से कोई अच्छा सूट पहन के हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती थी ना तो लोग देखते ही रह जाते थे, और तो और जब स्कूल के किसी फंक्शन में मैं जाती थी ना, ऐसा तैयार होके जाती थी, कोई पहनने ओढ़ने का ढंग तो मुझे हमेशा से ही था, लेकिन इतनी अच्छी लगती थी कि लड़के तो लड़के लड़कियां भी मेरे पीछे लग जाती थी, एक तस्वीर खिंचवा लो हमारे साथ, और फिर पता क्या करती थी, मेरी तस्वीरें खींच के वो अपने दर्जियों को दिखा के मेरे जैसा फैशनेबल सूट बनाती थी। अच्छा तो बस अब तू सिलवा लेना इस जोड़े को, ये ना हो के उठा के घुसा के रख दे अलमारी के अंदर। हाँ मुझे पता है, मेरे पास तो 2 सूट और भी पड़े हुए, वो भी मुझे टेलर के पास लेकर जाना है सिलवाने के लिए। हाँ अच्छा बात सुन, वैसे तेरा जो टेलर है वो सिलाई क्या ले रहा है आजकल? मेरा टेलर सादे सूट के वही 1500 और डिजाइन वाले 1800। इतना महंगा? मेरा दर्जी 1000 रुपए लेता है और ऐसा टिप टॉप सी के देता है ना, क्या बताओ मैं तुम्हें, लोग बोलते हैं कि बुटीक से लेके आई हो क्या तुम। मैं तो कह रही हूँ किसी दिन तू बैठ मेरे साथ और चल मेरे टेलर के पास पुराने महल्ले में, हमारे पुराने महल्ले में। भाई रहने दे, वही हिसाब पड़ जाएगा रक्षे के आने जाने के किराए का। अरे तो क्या हो गया, इतनी हल्की बात कर दी, रक्षे का किराया तो मैं दे दूंगी ना, दिल दुखा दिया तूने मेरा ये बात करके कसम से। अच्छा चल मैं तेरी चाय लेकर आती हूँ, कोई जरूरत नहीं है चाय वाय की, मैंने नहीं पीनी चाय। अच्छा बात सुन, मैं कह रही थी इनमें से एक हाथ जोड़ा जो है अपनी सास और अपनी देवरानी के लिए भी देख ले, लेकिन हाँ पहले बता रही हूँ 4,500 रुपए से एक आना पाई कम नहीं करूंगी मैं, बता रही हूँ। भाई मेरी जो सास है ना उनकी दुकान बनी हुई है, वहीं से लेती है, बस वही के साथ जाकर ना 5-6 सूट उठा कर ले आती है, और जहां तक रही मेरी देवरानी की बात, उसके पास पैसे ही कहाँ होते हैं, उसका मियाँ उसको कुछ भी नहीं देता, फकीरनी है फकीरनी। तो एक काम करना, तू दिला दे अपनी देवरानी को एक जोड़ा, क्या हो गया भाई, क्या मसला है, सारी कमाई क्या मुझसे ही करनी है, मोहल्ले में और भी घर पड़े जाके दे दो। अल्लाह हद हो गई। अच्छा रुक जा भाई, इतना बुलवा के मेरे सर में दर्द कर दिया, चाय तो पिला दे एक कप कसम से। अच्छा सुन, वो तेरा मियाँ मशहूर जगह की नान खताइया नहीं ला था, वो भी लेके आई, पड़ी तो होंगी। थैंक गॉड आज सर ने वाइवा का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं करवाया। तुम बताओ कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हुआ है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोए नहीं हो रात भर? तुम्हारा भाई कैसा है? अब ठीक है बिल्कुल। वासे तुम कुछ भी शेयर नहीं करते हो, उस रात अगर मुझे कॉल कर देते तो इस तरह भाई को ढूंढना नहीं पड़ता ना। You know, मेरे डैड के जो फ्रेंड हैं वो कमिश्नर हैं, फौरन पता लगवा लेते तुम्हारे भाई का। वैसे इसने स्टेटस लगाया था। मैंने बाद में देखा था। आई नो तुम्हारे फादर के बहुत कॉन्टैक्ट्स। अगली बार कोई भी प्रॉब्लम होगी ना सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। मेरा काम तो कराया नहीं तुमने। तुम्हारा कौन सा काम था? यार मैंने इसको कहा था कि अपने फादर से बात करे और मेरे कजन की जॉब की सिफारिश करवा दे।
दो इंटरव्यू करवाए थे, उसने क्लियर ही नहीं किया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उसमें इंटरव्यू क्लियर करने की सलाहियत होती तो क्या मुझे उसकी सिफारिश करवाने की जरूरत पड़ती? खैर क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। बाय द वे शी इज राइट, शक्ल देखो अपनी, 12 बजे में ऐसा लग रहा है रात भर मजनू लैला की तलाश में भागता रहे। वासिर, वाकई किसी लैला का चक्कर तो नहीं है? हाँ है, लैला। ये किताबें, ये मेरी लैला। तुम कहाँ जा रहे हो? कैंटीन जा रहा हूँ कॉफी पीने। तुम कहाँ जा रही हो? वासिम के साथ जा रही। तुमसे बेजार होगी तो वो वहां गए। अपनी बकवास अपने पास ही रखो। चलो कुछ पढ़ ही लिखते। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। बात सुनो बात सर जी, इधर मेरे फोन तो देखना, पता नहीं एक ही जगह रुक गया है, सारे बटन दबा लिए, ठीक ही नहीं हो रहा। हैंग हो गया था ये ना। कपड़े हैंग होते हैं तो सुना था, फोन भी हैंग होता है भाई। असल में ना नया फोन है, जमाल ने अभी दिलाया है, बहुत महंगा फोन है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा अभी कि कैसे इस्तेमाल करूं। ये सूट आपका? हाँ। क्यों, नजर लगाने का इरादा है कि अपनी माँ की तरह तुम्हारी भी नजर बड़ी खराब है? मैं क्यों नजर लगाऊंगी, ऐसे ही सेम प्रिंट का मैंने लिया, ब्लू कलर में ऑनलाइन मंगवाया था। आपने कितने का लिया? तुमसे मतलब? बिल्कुल अपनी माँ वाली हरकतें, वही टो लेना। अच्छा भाई नहीं बताए। सुनो जी, तुमने कितने का लिया? मैं 3000 का लिया था, फिर 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस दिए थे। 3000? क्यों, क्या हुआ? अरे तुम तो लुट गई है, मैंने तो 2500 का लिया है गुलशन आरा से, तुमने तो बड़ा महंगा ले लिया। फिर 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस भी दिए। गुलशन आरा को बताऊंगी कि कैसे तुम्हें लूट लिया किसी ने। अजरा जी, तुम जरा बावर्ची खाना देख लो, हंडिया चढ़ाई थी मैंने, और अस्मा से कहो कि ये मेरा जोड़ा इस्त्री कर दे। कहीं जा रही आप? हाँ, सईदा उम्रा करके आई है ना, उसे मुबारकबाद देने जाना है, और तुम्हारे अब्बू अभी आने वाले हैं, अस्मा से कहना जरा जल्दी से कर दे। मैं कर देती हूँ स्त्री। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम दबा दबा के नहीं करती हो ना, तो शिकने रह जाती हैं। बेबी आंटी मुझे दे दे, मैं कर देती। ये लो करो। बेबी आंटी वलीद घर पे? हाँ, अस्पताल गया अपने दोस्त के साथ, आज पट्टी खोलनी थी ना उसकी, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हें काम था कोई उससे? जी वो अम्मी के कमरे का पंखा काम नहीं कर रहा। तो वलीद क्या इलेक्ट्रिशियन है? इलेक्ट्रिशियन को बुला के करवाओ काम। पिछली दफा उसने वायर जोड़ दी थी तो ठीक हो गया था। भाई बड़े मुफ्ते हो तुम लोग हैं, हर काम मुफ्त में चाहिए तुमको। अरे अगर हमारे बच्चों को कोई करंट वरंट लग गया तो? अजरा खुदा ना करे, क्या कह रही हो तुम? बेटा तुम अस्मा को बता जाना, वलीद आएगा ना तो उसको भिजवा देगी तुम्हारे घर। जी ठीक है। बात सुने अम्मी, वो हाँ, आपको सईदा खाला का घर अगर याद नहीं है तो मैं साथ चलूं आपके? नहीं, मुझे रास्ता बहुत अच्छी तरह से याद है, अभी दिमाग काम करता है मेरा। बड़ी चलाक है बड़ी भी। जब वासिफ के ससुराल वालों के यहाँ गए थे तो मैंने इनसे कहा था कि पिछली गली में घर है, सईदा खाला को चल के मुबारकबाद दे देते हैं, लेकिन उस वक्त बड़ी भी ने मना कर दिया, अपने मियाँ के साथ गुलछड़े उड़ाने जो जाना था। अरे सईदा खाला क्या तो 10 मिनट बैठेंगी, सब पता है मुझे, लीड लीड घूमेंगी अपने मियाँ के साथ, सैर सपाटे करेंगी, आइसक्रीमें खाएंगी, खाने खा के आएंगी, इस उम्र में भी शौक नहीं गए इनके।